Hi guys, welcome to this video. This is Aarti Mishra. In today's video, I'll tell you something about a very beautiful and a wonderful day. Today, my mom just got retired after 30 years of teaching, and मैं हूँ अभी डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन के इस ऑफिस में जहाँ पे अभी हमारी जो सेरेमनी है जस्ट ख़त्म हुई है. आइए मिलते हैं सबसे और देखते हैं कि कैसे चल रहा है हमारा फंक्शन. और बहुत जल्द मैं आपकी बात करवाऊंगी अपनी मॉम से, एंड यू वुड बी एबल टू यू नो लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर एक्सपीरियंसेस. सो शी वॉज एक्चुअली अ TGT इन साइंस एंड शी जस्ट गॉट रिटायर्ड आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ टीचिंग. सो दैट्स अ बिग थिंग, राइट? सो लेट्स सी हाउ इट गोज. मैंने नहीं किसी को कुछ भी सिखाया या कुछ किया, बल्कि मैंने बहुत कुछ सीखा. कई ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें हम जब काम करते थे, मुझे कुछ नहीं आता था, सच बता रही हूँ. मैंने बहुत कुछ एक एक मेंबर से सीखा. हाँ, ये ज़रूर रही कि मैंने अपना लर्निंग मोड कभी नहीं छोड़ा. अपने अंदर का बच्चा हमेशा जगाए रखा कि नहीं, सीखना है कुछ, और कोशिश करती रही. अपनी फैकल्टी, साइंस फैकल्टी से मैंने सबसे पहले तो कंप्यूटर सीखा. सोशल साइंस फैकल्टी से कैसे उसको फॉर्मेट करते हैं, किस तरह से. उनको भी बहुत परेशान करती थी कि नहीं सर, मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही है, मैं ये कैसे करूँ. मेरे साथ नीरज बैठती हैं, प्राइमरी फैकल्टी नीरज, कुलविंदर, भारती. मैं इन लोगों को भी बीच बीच में पूछती रहती थी, बताओ यहाँ पे कैसे करेंगे, मुझे जल्दी बताओ ताकि मेरा काम ना रुके बीच में. और मैथ्स फैकल्टी में तुषार, आकांक्षा और सुषमा मैम भी थी, सभी से सीखा. इंग्लिश फैकल्टी तो अपने आप में ही पूरी सर्वे सर्वा कि हर चीज़ इनसे ही सीखनी पड़ती थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था कि किस तरह से हम आगे मूव ऑन करें. सब इंग्लिश फैकल्टी को देखते थे कि वो जैसे करेंगे आगे, हम उनके पीछे बढ़ेंगे सच में. तो थैंक्स टू चारू मैम, प्रीति और बाकी सभी हमारे सीनियर मेंबर्स, उन सब से भी मैंने, मैं अगर नाम लेने लगूँ तो मतलब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया. सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और सबसे ज़्यादा जो इंस्पिरेशन मिली वो हमारे जो पिलर हैं कोर एकेडमिक यूनिट के. आज अगर मेरे अंदर कोई थोड़ा सा जो संतोष या वैसे भावना आ रही है ना, तो उसका श्रेय परविंदर सर को जाता है. कैसी भी परिस्थिति हो, ये कभी भी नहीं परेशान होते कि हो जाएगा. तो ये बात मेरे अंदर पहले नहीं थी जो मैंने कोर अकेडमी की यूनिट में आकर सीखी, तो सर इसका तो श्रेय बिल्कुल आपको जाता है. भावना मैम बिल्कुल चुपचाप करके काम करती रहती हैं, तो ये चीज़ भी मैंने मैम बाद में शायद आपके टेन्योर पे आपने भी देखा होगा कि मैं अकेले जब काम करने लगी तो ये चीज़ मैंने हाथ से सीखी. और जब कभी कभी बीच में मैं कुछ फुलझड़ी दे देती थी तो वो मैंने मनीष सर से सीखी, क्योंकि मनीष सर किसी भी चीज़ को बहुत लाइवली लेते थे. अरे मैम बिल्कुल चिंता नहीं, काम तो हो ही जाएगा. तो ये बात मैंने मनीष सर से सीखी, और अब मनीष सर अपनी दूसरी जर्नी पे जा रहे, तो मैंने उनसे कहा है कि मैं आपसे वहाँ आके मिलूंगी ज़रूर. तो मैंने सर से प्रॉमिस किया कि मैं ज़रूर आपसे आके मिलूंगी. और दूसरी धन्यवाद तो आप सबका है ही, यदि मुझसे कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मैं सबसे माफ़ी